शनि यानी कि सैटर्न ज्योतिष का सबसे अद्भुत ग्रह, देने पर आए तो आपको राजा बना दे, देने पर आए तो आपको अरबपति बना दे। बिना मजबूत शनि के कोई भी व्यक्ति ना तो राजनेता बन सकता है, ना ही नेता बन सकता है, ना ही उसकी अच्छी नौकरी चलेगी, ना ही उसका अच्छा बिजनेस चलेगा और ना ही वो अपने पेशे में टॉप पर पहुंच सकता है। जिसका शनि अच्छा है उसकी एजुकेशन भी अच्छी है, उसका करियर भी अच्छा है, उसकी फैमिली लाइफ भी अच्छी है। तो शनि को बगैर अच्छा किए आप ये सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मजबूत शनि आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुखों को लेकर आता है। शनि अपने ही स्वराशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर 2024 से, और कुछ राशियों के लिए ये शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण भी करेंगे। शश योग यानी कि एक अद्भुत योग जो आपके जीवन में शनि के शुभ प्रभावों को बढ़ाता है। तो कौन कौन सी लकी राशियां होंगी जिनको शश योग का लाभ प्राप्त होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। शनि 15 नवंबर से मार्गी होकर आपकी राशि को क्या देने वाले हैं, करोड़पति बनाने वाले हैं या अरबपति बनाने वाले हैं, या करोड़पति और अरबपति बनने में अभी आपको विलंब होगा, यही सारी जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष हूं। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। ये सारी जानकारी जानकर आप अपने आने वाले वक्त में शनि को समझ जाएंगे कि शनि आपको क्या देने वाले हैं। अच्छी अच्छी रेमेडीज बताऊंगा जिससे शनि के शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। वो सारी जानकारी दूंगा जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी जरूर लिखिएगा, जैसे कि जय श्री राम या कुछ भी आपको जो अच्छा लगता है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जब तक जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी तब तक किसी भी ग्रह का शुभ परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाइए। जन्म कुंडली के 9 ग्रह जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक आपके हाथ में सफलता आ भी जाएगी तो भी आकर फिसल जाएगी, यानी कुछ भी हाथ नहीं आएगा। आप अक्सर कहते हैं ना कि मौके आते हैं लेकिन मौके का फायदा नहीं उठा पाते। आप में से अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा तो कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, खुशियां तो आती हैं लेकिन टिक नहीं पाती। ये सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि आपकी कुंडली में आपके 9 ग्रह कमजोर है। तो अपने 9 ग्रहों को मजबूत बनाने के लिए मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, अपनी कॉल कंसल्टेशन बुक कराइए। नंबर आपके सामने है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, वीडियो कॉल पर भी हम बात कर सकते हैं। अब आते हैं शनि आपको क्या देने वाले हैं, यानी आपकी राशि को। शनि मेष राशि वालों के लिए 11वें भाव और 10वें भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव यानी लाभ का भाव, प्रॉफिट का भाव। 10वां भाव यानी कर्म का भाव। बिना कर्म किए, बिना मेहनत किए फल नहीं मिलता। तो शनिदेव दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं। योग कारक ग्रह आपके लिए बनते हैं। बहुत ही शानदार स्थिति में है यहाँ पर शनिदेव और मार्गी हो रहे हैं, अच्छी बात है। 10वां भाव यानी आपका कर्म। 10वां भाव यानी आपके जीवन में आपकी मेहनत से जो भी आप कमाते हैं वो 10वां भाव है, और मेहनत का रिजल्ट कौन सा भाव देता है, 11वां भाव। तो 10वां और 11वां दोनों आपस में लिंक हैं। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, जिन भी मेष राशि वाले बच्चों की, जातकों की, जातकाओं की, महिलाओं की, पुरुषों की कुंडली में शनि ग्रह और बाकी ग्रह अच्छे हैं, उनके लिए आने वाले कुछ महीने बहुत ही शानदार होने वाले हैं। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। मैंने फिर कहा, शर्त एक है, अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है तो। ये बहुत ही बेहतर वक्त होगा क्योंकि 11वें भाव में लाभ के घर में, प्रॉफिट के घर में शनि का मार्गी होना, शनि का बैठना बहुत ही शुभ है। और 30 ईयर्स के लंबे समय के बाद आपको ये मौका मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का जीवन समाप्त हो जाए अगले 30 सालों में और वो ऐसा शुभ मौका प्राप्त ही ना कर पाए। जो आदमी आज 50 साल की उम्र रखता है 80 साल तक जिएगा नहीं जिएगा क्या पता, जो 70 साल का है वो 100 साल जिएगा नहीं जिएगा क्या पता, क्योंकि अब शनि इस घर में 30 साल बाद ही आएंगे। करियर के लिए, नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बहुत अच्छी पकड़ आपकी, आपके करियर में, आपकी नौकरी में होने वाली है। पढ़ाई लिखाई में भी बच्चे बहुत बढ़िया करेंगे, नौकरी में तरक्की होने वाली है, आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुलने वाले हैं। यकीन मानिए ये ऐसा समय है जहां पर आप
अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से खूब सारा लाभ कमा सकते हैं, खूब सारा प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको बहुत सारे शुभ मौके आगे बढ़ने के मिलने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, हर क्षेत्र में आपको अनेक आगे बढ़ने के सुअवसर मिलने वाले हैं। बेहतर समय है। 30 साल का इंतजार के बाद ये वक्त आया है, तो खराब कैसे हो सकता है। ये समय आपको अच्छा खासा मुनाफा यानी प्रॉफिट देकर जाएगा। ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है, यानी जो दिल में इच्छा है, दिमाग में जो विचार हैं, वो पूरे होने वाले हैं। पैसा बचाने भी वाले हैं, पैसा कमाने भी वाले हैं। बातचीत के माध्यम से आप बहुत पैसा कमाएंगे। जो भी लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। ये समय आपके लिए पॉजिटिव है, सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों में भी आपको सफलता मिलने वाली है। 11वां घर संपत्ति का होता है, तो नगद संपत्ति भी आपको मिलेगी, पैतृक संपत्ति भी आपको मिलेगी। व्यापार में जूनियर और सीनियर और सबका सपोर्ट और पूरी मार्केट का सपोर्ट, पूरी एसोसिएशन का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। चालाकी से, चतुरता से आप खूब धन कमाने वाले हैं। मकान, प्रॉपर्टी, इन सब का सुख आपको मिलने वाला है। पिता से आपको कुछ अच्छी धनराशि भी मिल सकती है, पिता के माध्यम से कुछ अच्छा हो सकता है। आपका जीवन साथी भी आपकी आर्थिक मदद कर सकता है, आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, आपके दोस्त यारों के माध्यम से आपको तरक्की के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छा और शुभ हुआ तो मिट्टी से सोना बनाने वाला ये वक्त कहा जाएगा मेष राशि वालों के लिए। दोस्तों यारों से आपको समर्थन प्राप्त हो रहा है। हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, शिव की भक्ति करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। मेष राशि वालों को बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी खुशियां जरूर मिलेंगी। शनि मार्गी हो रहे हैं, 30 साल के बाद वो आप पर पैसा लुटाएंगे। अगर आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराना चाहते हैं और वाकई में शनि के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और अपनी जन्म कुंडली की जाँच जरूर कराएं। राधे राधे।